एक तरफ आईपीएल इतिहास के सबसे सक्सेसफुल कप्तान रोहित शर्मा जो 5 बार का चैंपियन है, वहीं पे दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या की टीम गुजरात टाइटंस थी जो कि लास्ट सीजन का चैंपियन था। दोस्तों मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2023 के क्वालिफाइड 2 का मुकाबला खेला गया। दोनों के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में सांस रोक देने वाला मुकाबला में गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीत लिया। उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मुंबई ने एक बदलाव किया, रोहित ने ऋतिक शौकीन की जगह कुमार कार्तिकेय को टीम में शामिल किया। गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने लिटल और बी साई सुदर्श को टीम में शामिल किया। मुंबई इंडियंस के खिलाफ गुजरात की पारी शुरू हुई। सुमन गिल के साथ रिद्धिमान शाह क्रीज पर आए। मुंबई इंडियंस के लिए पहला ओवर जेसन ब्रैंडरॉप ने किया। आपको बता दें दोस्तों कि पहले ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 4 रन के पार जा चुका। रिद्धिमान शाह और सुमन गिल क्रीज पर थे। गुजरात ने 2 ओवर में बिना किसी नुकसान के 13 रन बना लिए थे। गिल 9 और शाह 4 रन बनाकर नाबाद। गुजरात टाइटंस की पारी के पावर प्ले समाप्त हो चुका है। उसने 6 ओवर में बिना किसी नुकसान के 50 रन बना लिए। सुमन गिल 20 गेंदों पर 31 और रिद्धिमान 16 गेंदों पर 18 बनाकर नाबाद थे। दोनों ने पहले विकेट के लिए अशतक की साझेदारी कर ली। मुंबई को पहले विकेट की तलाश है। 6वें ओवर की 5वीं गेंद पर टीम डेविड ने क्रिस जॉर्डन की गेंद पर शुभमन गिल का कैच छोड़ दिया और इसके साथ ही शुभमन गिल ने वो आतिशी बल्लेबाजी किया जिसके मुंबई इंडियंस को पहली सफलता पीयूष चावला ने दिलाई। उन्होंने 7वें ओवर की 2री गेंद पर रिद्धिमान शाह को पवेलियन भेज दिया। शाह 16 गेंदों पर 18 बनाकर ईशान किशन के हाथों स्टंप आउट हो गए। गुजरात के 7 ओवर में 1 विकेट पर 59 रन हो गए थे। शुभमन गिल 23 गेंदों पर 35 और 3 गेंदों पर 4 रन बनाकर नाबाद थे। सुमन गिल ने इस सीजन में अपना 5वां अर्धशतक लगाया। उन्होंने 32 गेंदों पर 50 रन पूरे किए। गुजरात के 10 ओवर में 1 विकेट पर 91 यानी 91 रन बना लिए। सुमन गिल ने 34 गेंदों पर 57 रन का नाबाद। उन्होंने अपने इस पारी में 3 चौके और 3 छक्के अभी तक लगा चुके। सुदर्शन ने 10 गेंद पर चौके की मदद से 13 रन बनाए। आपको बता दें दोस्तों कि सुमन गिल ने आईपीएल के मौजूदा सीजन में अपना 3रा शतक लगा दिया। उन्होंने 49 गेंदों पर 100 रन पूरे कर लिए। गिल ने इस सीजन में इससे पहले लीग राउंड में सनराइजर हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ शतक लगाया था। आपको बता दें दोस्तों कि सुमन गिल जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहा है आईपीएल 2023 में, क्या लगता है आपको कि वो विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा या नहीं, इस वीडियो में कमेंट करके बताइए। सुमन गिल जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे थे 12वें ओवर की 2रे और 3रे गेंद पर लगातार 2 छक्के मारकर आकाश मधवाल का पूरा मनोबल को ही तोड़ दिया। दोस्तों आपको बता दें कि फिर 13वें ओवर के भी 4थे और 5वें गेंद पे सुमन गिल ने छक्का लगा करके मुंबई इंडियंस का हौसला को पस्त कर दिया। गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 15वें ओवर में 1 विकेट पर 186 रन बना लिए। सुमन गिल की तूफानी पारी जारी। उन्होंने 53 गेंद पर नाबाद 117 रन बना लिए। गिल ने अब तक अपनी पारी में 5 चौके और 10 छक्के लगाए। साई सुदर्शन 21 गेंदों पर 27 रन बनाकर नाबाद है। गिल और सुदर्शन 2रे विकेट के लिए 52 गेंदों पर 112 रन की साझेदारी कर ली है। मुंबई इंडियंस के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन 16वें ओवर की समाप्ति के बाद चोटिल हो गए। वह मैदान पर क्रिस जॉर्डन से टकरा गए। जॉर्डन की कोनी किस आंख में लगी। ईशान किशन ने उसके बाद मैदान से बाहर हो गए। उसके स्थान पर विष्णु विनोद विकेटकीपिंग करने के लिए आए। सुमन गिल 60 गेंद पर 29 रन बनाकर आउट हो चुके। 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर आकाश मधवाल ने उन्हें आउट किया। मधवाल ने गिल को टीम डेविड के हाथों कैच कराया। गिल की अपनी पारी में 7 चौके और 10 छक्के लगाए और इसके साथ ही गिल ने कई सारे इतिहास रच दिया। आपको बता दें दोस्तों कि इसके साथ ही साई सुदर्शन को भी रिटायर हट लेना पड़ा और रिटायर हट लेने के बाद इसके साथ ही राशिद खान क्रीज पर आया और राशिद खान क्रीज पर आते ही पहले ही गेंद पे चौका जड़ दिया। दोस्तों आपको बता दें कि 19 ओवर के समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस की स्कोर 214 रन पहुंच हुआ था 2 विकेट के नुकसान पर। वहीं राशिद खान हार्दिक पांड्या लास्ट ओवर में बल्लेबाजी कर रहे थे। पहले ही गेंद पर राशिद खान ने चौका जड़ा, उसके बाद सिंगल लेके हार्दिक पांड्या को स्ट्राइक दिया। उसके बाद फिर अगले ही गेंद पर हार्दिक पांड्या को स्ट्राइक राशिद खान ने दिया और हार्दिक पांड्या ने 1 चौका और 1 छक्का लगा करके गुजरात टाइटंस का स्कोर 233 रनों के पार पहुंचा दिया। इसी के साथ मुंबई इंडियंस को टारगेट मिला है 234 रनों का और 234 रन लक्ष्य का पीछा करना कोई आसान नहीं हुआ। दोस्तों इससे पहले मुंबई इंडियंस ने 6 बार मिला टारगेट को 4 बार उसने चेज किया है, जो कि 200 प्लस का टारगेट 4 बार उसने चेज किया और 2 बार उसे हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों मुंबई इंडियंस ने गुजरात के खिलाफ 234 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए पहला विकेट गंवा दिया। उससे पहला झटका मोहम्मद शमी ने पहले ओवर में दिया। शमी ने इंपैक्ट प्लेयर के रूप में उतरे निहाल वधेरा को आउट कर दिया। वधेरा का कैच विकेट कीपर रिद्धिमान शाह ने लिया। उन्होंने 3 गेंद पर 4 रन बनाकर फिलहाल रोहित शर्मा और कैमरन गिल क्रीज पर थे। मोहम्मद शमी ने पहला ओवर करते हुए धमाल मचाते हुए पहले ओवर में विकेट आउट कर दिया मुंबई इंडियंस का। रोहित शर्मा का बल्ला इस मैच में भी नहीं चला। उन्होंने मोहम्मद शमी के 3रे ओवर में आउट कर दिया। रोहित शर्मा ने 6 लगाने के प्रयास में बाउंड्री पर जोशुआ लिटल को कैच थमा बैठे। रोहित ने 7 गेंदों पर
8 रन बनाकर उन्होंने एक चौका लगाया। मुंबई के 3 ओवर में 2 विकेट पर 29 रन बना लिए थे तिलक वर्मा 7 और सूर्य कुमार यादव 5 रन बनाकर नबाते। कैमरून ग्रीन 3 गेंद पर 4 रन बनाकर रिटायर हट हो गए थे और इसी के साथ कैमरून ग्रीन का चोट लगने की वजह से रिटायर होने के बाद मुंबई इंडियंस की टीम काफी असमंजस में फंस गई थी। मुंबई इंडियंस ने 6 ओवर में 3 विकेट पर 72 रन बना लिए थे तिलक वर्मा के रूप में। उसे तीसरा झटका 6 ओवर की आखिरी गेंद पर लगा। राशिद खान ने तिलक वर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। तिलक वर्मा ने तेजी से रन बनाए लेकिन वह बड़ी पारी नहीं खेल पाए। तिलक वर्मा ही ऐसे बल्लेबाज थे जो लगातार अंतराल पर चौके छक्के जड़ रहे थे और उसका आउट होने के बाद तिलक ने 14 गेंद पर 43 रन बनाए। उन्होंने 5 चौके और 3 छक्के लगाए। सूर्य कुमार यादव 9 गेंदों पर 12 रन मगर नाबाद है। 4 रन के निजी स्कोर पर रिटायर आउट होने वाले कैमरून ग्रीन वापसी की बल्लेबाजी करने के लिए आए क्रीज पर और वो बल्लेबाजी करे सूर्य कुमार यादव का साथ दे रहे। आपको बता दें दोस्तों कि